हे फॉर एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का एक T20 मैच। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग भाई टॉस जीत के बैटिंग करते हैं। हाँ भाई, बल्लेबाजी का निर्णय हमारा है। ब्रैंडन किंग है यार ये। ओके, और ये उतारो गिल और इनको। भाई मैंने एक चीज सोच लिया है, पहली बॉल से मैं अटैक करना शुरू कर दूंगा, चाहे मैं आउट हूँ या फेल हो जाऊँ, पहली बॉल पे अटैक होगा। क्योंकि भाई मैंने इनको अगर छोड़ दिया ना, ये लोग बहुत हीरो बनते हैं। छोड़ूंगा नहीं इस बार। ये पहली गेंद पर दे देना धन 6 रन। भाई मैं पहली ही गेंद से अटैक करूंगा। हाँ ठीक है, और RC22 यही है। और हाँ गाइस, थैंक यू फॉर योर 100 सब्सक्राइबर्स, आपने भाई पूरे करा दिए। भाई ऐसे ही अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो यार, है ना। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, और ताकि हमारे चैनल और प्रमोट होता रहे। तो चलो अभी आते हैं मैच की ओर। पहली गेंद पर सिक्सर, उसके बाद दूसरी बॉल हल्की सी डॉट। शिट, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, आउट देगा, दे 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 भाई, दे तू आउट दे पहली बात। हाँ भाई चलो, चैलेंज डिसीजन। भाई आउट है ही नहीं। पिचिंग भाई एकदम एकदम हद से ज़्यादा बाहर है पिचिंग। और भाई मैंने विकेटें छोड़ दी थी, पहली बात तो आउट होना नहीं चाहिए। लेकिन अंपायर देखते हैं क्या ये लोग अभी टप्पा खिलाते हैं। ये पीछे इम्पैक्ट हो गया भाई, इम्पैक्ट के वजह से बच गए। रिव्यू रिटेन्ड, इम्पैक्ट के वजह से ना, मैंने कहा ही था इम्पैक्ट विकटों के हल्का सा बाहर पड़ रहा है, और इम्पैक्ट भी ठीक था। और अंपायर क्या हालचाल, मुंबई में मैच है भैया, रोहित शर्मा का होम ग्राउंड है यार। लेकिन ईडन गार्डन्स नाम का एक ग्राउंड है, उसको रोहित ग्राउंड्स के भी नाम से जाना जाता है। हवा में खेल दिया है 4 रन के लिए। गिल ने तो भाई धो दिया है विंडीज को, गिल ने बहुत अच्छे से धोया है। ओके गाइस, पावर प्ले का एंड हो चुका है, 40-1 इंडिया, जो कि होना नहीं चाहिए था। ये थोड़ा सा खराब किया है इन लोगों ने, क्योंकि भाई रन के स्पीड बहुत थे, रन की जो स्पीड थी ना भाई, कम से कम 14 रन पर ओवर जा रही थी, और अभी ये गिर गई है 6 रन पर ओवर में। तो मेरे को हल्का सा बूस्ट करना पड़ेगा इनिंग्स को। तब तक आप लोग भी लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार, बूस्ट करो यार हमारे लाइक एंड सब्सक्राइब को। पीछे हट के ना बैक फुट पे मारेंगे, पीछे की तरफ शॉट 6 रन। भाई खतरनाक है भाई, भाई किंग कोहली है ये, विराट कोहली, विराट द रन मशीन कोहली, और कुछ तो कहते विराट द टन मशीन कोहली। भाई 2-4 टन मारता है ये। भाई 2 रन तो इजीली मिल जाएंगे, है ना, 2 रन तो भाई इजीली आ गए। विराट कोहली ने भाई शुरू से ही अटैक करना सही समझा है अभी। कहाँ बॉल डालेगा भाई, पुश करना पड़ेगा, मैं जेंटल पुश। एक रन ठीक है ना, 27 रन 20 बॉल, कोई उतना खराब हम लोग खेल नहीं रहे हैं। और भाई वैसे भी 8 रन पर ओवर भाई कम थोड़ी होता है, विकेटों में ही डालेगा ये। भाई एक विकेट की बॉल को मेरे को अटैक करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग का ना मन बढ़ जाएगा। 6 रन 6 रन भाई, छक्का। भाई होल्डर का 4th ओवर चल रहा है भाई, होल्डर ने अपने सारे ओवर ख़त्म कर दिए। होल्डर को क्या वन साइडेड लाया है भाई। वेस्ट इंडीज़ को 21 तोपों की सलामी, खराब खराब गेंदबाजों को ओवर निकाल दिया। हो भाई बच गया, बच गया, है ना भाई, बच गया विराट, विराट बच गया। कौन है भाई, जोसेफ, ये जोसेफ।
कहाँ पे मारूँ कहाँ पे मारूँ, ये वाले एरिया टारगेट करते हैं। चलो चार रन, इजी फोर ब्रो, विराट कोहली है ब्रो भाई, हाई स्ट्राइक रेट से खेलना है अभी। ऑलमोस्ट अभी तक 100 रन्स तक तो भाई एक भी विकेट नहीं खोने हैं, 100 के बाद एक विकेट चल जाएगी, कोई नहीं, उसका कोई भी भुगतना नहीं पड़ेगा। शॉट, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं, 3 रन मिल सकते हैं यहाँ पर। भाई 3 रन, भाई 3 रन मिल जाएंगे विराट कोहली को, है ना। 3 3 3 3 3 3 6 7 भाई, जोसेफ को तो भाई अटैक कर रहा है। मैंने यहाँ पे हल्का सा डिफेंड करना पड़ेगा। गैप में खेला है और रन मिलेंगे इस दिशा में। 2 रन तो इजी मिलेंगे, तीसरे का मेरे को पता नहीं, तीसरा भी मिलेगा। आउट, गिल आउट हुआ, कोई नहीं, रन अभी हमारे बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो 2 रन मिले भी तो, आउट हुआ तो क्या हुआ भाई, 2 रन तो मिले ना। 7 ऐसे, हाँ ठीक है ना, ऐसी गलती नहीं होगी यार, शांत रहो। तो 6 हो गया समझ ना, नहीं आया हमें क्या करना चाहते थे बल्लेबाज, अरे शांत रहो बस यार इतने तुम का लोग, डाउट जब रहेगा। हम कुछ भी करना चाहें, तुम्हें क्या, तुम्हारा काम है कमेंट रेडी करना, तो वो लोग तुम करो ठीक फील्डर से। मौजूद नहीं है इस दिशा में, रन जरूर मिलेंगे बल्लेबाज को। भाई 2 रन मिल गए इजी, इस ओवर के अंत तक ना विराट कोहली को ही स्प्राइक, अगला ओवर विराट कोहली को ही खिलाना है, ये चीज़ मेरे को ध्यान रखनी है भाई। लॉफ्ट में करूँ भी तो करूँ कहाँ पे यादव ने 6 रन मारे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। वकाऊ भाई, विराट कोहली का तो 50 अपने आंखों से देखना है मेरे को, विराट कैसे 50 मारता है। तो गाइस ये अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, विराट कोहली की विकेट गिर गई है 95 के स्कोर पर भाई, और हाँ जो प्रॉमिस करा था विराट ने वो तो प्रॉमिस निभाया है भाई, 100 से पहले विकेट ज़रूर गिरी है, लेकिन वो विकेट ना अभी कम मायने रखेगी अच्छी गेंद बल्लेबाज भाई, के सामने रही है। ये हर्ट करेगी ज़रूर भाई। विकेट गिरने के बाद एक ऐसी डिलीवरी ना हमेशा प्रॉब्लम खड़े करती है, पक्का ये बॉल विकेट में थी, मेरे को पता था। आसानी से खेला 1 रन। नहीं भाई 2रा रन नहीं चाहिए, इजी इजी पीजी रखना है गेम को, चलाओ राहुल चलाओ ब्रो। राहुल क्या कर रहा है कहाँ पे, ओके 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 ओके, और ये गेंद हवा में, 6 रन 6 रन 6 रन, आहा हा, ओ शेट भाई, इसी ओवर में 2 विकेट निकाल लिए इसने। ये भाई मैंने ना हल्का सा ना कम टाइमिंग करा, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी संभालते हैं भाई। इसको कोशिश करना है कि पंड्या को कि ज़्यादातर ना स्ट्राइक इसे दे, क्या नाम है इसका, एस हो गया, ओ क्या हो रहा है भाई, 100 से भी कम के स्कोर में 5 विकेट गिर गई है, सिचुएशन बहुत नरम हो चुकी है इस स्टेज पे भाई। एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद हार्दिक पांड्या का विकेट गिरा है 165 के स्कोर पर, और भाई अब हल्का सा मेरे को अब डर लगने लगा है, क्योंकि अभी प्रॉपर बैट्समैन अभी कोई नहीं बचा टीम में। चलो अभी अटैक करना शुरू किया जाए, डेथ ओवर शुरू हो गए हैं। आहा क्या बॉलिंग है ब्रो, ओहो इसके जैसे बॉलिंग ना बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, लेकिन कर लेते हैं भाई। अटैक करो, 6 रन के लिए भाई चल जाएगा, इजी सिक्सर है ब्रो भाई। लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी करो, मैंने आपके लिए इस गेम को भाई बहुत टेंस लेवल का पहुंचा दिया है भाई, 180 190 तो भाई कंपलसरी है अभी जाना, अभी उतना भी नहीं जाएगा तो भाई रन्स क्या हो जाएंगे फिर। आ हा क्या डाल रही है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या डाल रहा है ना। क्वालिटी डिफेंस कर रहा है। और हाँ, इतना कंफर्म है ना कि 25 बॉल से पहले ना हाफ सेंचुरी हो जाएगी जड्डू की। यहाँ पे आउट स्विंगर भाई स्पेशल फ्रंट फुट पे ही मार, 6 रन भाई। डेथ हॉर्स की स्टार्टिंग में भाई क्या करारा शॉट लगा है ब्रो। भाई डेथ हॉर्स की स्टार्टिंग है ये, और भाई इसी में एक दो छक्के आ गए। मेयर्स को विकेट नहीं देना है, नहीं तो इनके भाव बढ़ जाएंगे। ओहो हो, जड्डू स्मिथ को बुलाया है, नंबर 1 है इसका जर्सी नंबर। और भाई पटेल मार, भाई पटेल एक रन, हाँ ये चाहिए मेरे को है ना भाई। एक टेंसली स्लो शुरुआत, उसके बाद 10वें ओवर में लग रहा था कि गेम पूरा हेर फेर कर दिया विंडीज ने, लेकिन भाई अभी तक जड्डू है ना। हाँ, विकेट बचा के, क्योंकि अभी जडेजा आउट हो जाता है ना, टीम इंडिया को सबसे बड़ा आई थिंक सो झटका लग जाता, क्योंकि भाई अभी जड्डू ही तो जान है। 6 रन, 49 भाई, ओनली 1 रन नीडेड भाई, जड्डू का हाफ हो जाएगा। हाँ सेंचुरी, हाफ सेंचुरी भाई, रविंद्र जडेजा कहाँ है, जा रे जा भाई। सामने की तरफ एक अच्छा शॉट मार देंगे भाई, भाग गए, हो गया भाई जडेजा का 50, रविंद्र जडेजा 50। ओह हो, तलवार चलाई है जड्डू ने, जडेजा की तलवार। पटेल को अटैक करवाओ, कोई नहीं, पटेल आउट हुआ है भाई। अभी कुछ भी हो, अभी रविंद्र जडेजा है ना, जडेजा को लास्ट ही बॉल मिली है खेलने के लिए। इस पे तो मैं भाई, कोई भी होता ना सिंगल ही देता, मैं भी वही करूंगा अभी। ओके, ये हल्का सा टफ हो सकता था, लेकिन भाई 167 अच्छा स्कोर है भाई। 4 ओवर में मैक्सिमाइज करना है मेरे को, 200 250 मार दो भाई। एक बार 200 लग गया ना ब्रो, बहुत टफ होगा भाई। लग गया ना जड्डू का 6, जड्डू भाई 75-85 मारेगा आज। 6 रन भाई रविंद्र ने मारा है आज। आज भाई जड्डू का लक गजब काम किया है, लेकिन भाई यहाँ पर एक हो गई प्रॉब्लम, जडेजा का विकेट गिर गया है। हो गया ना प्रॉब्लम, जडेजा का विकेट गिर गया है, रविंद्र का विकेट गया, मतलब इंडिया इन प्रॉब्लम भाई। काफ़ी निराश नहीं होना चाहिए ना, खुश होना चाहिए। टीम कहाँ पे थी और तुमने कहाँ पे लाके छोड़ा है टीम को भाई। टीम 96 पे 5 थी और तुमने भाई, रविंद्र ने अकेले पारी को संभाला है, और भाई अब इससे बड़ी खुश होने की बात और क्या है भाई। 200 पहुँचाओ तुम लोग, 210 पहुँचाओ, लेकिन तुम लोग अगर नहीं पहुँचाया तुमने तो देख लेना, रविंद्र की मेहनत बेकार मत होने देना। हो, विकेट गिरी ज़रूर है, लेकिन एक विकेट अभी भी बाकी है, और अगर तुमने रविंद्र की मेहनत अगर बेकार की, सिराज और क्या नाम है, शमी, हाँ तुमने अगर जड्डू की इनिंग्स बेकार करी ना, मैंने तुमको नहीं छोड़ना है। ओहो 199 for 9, और कोई दिक्कत नहीं, बस ऑल आउट नहीं होना है। शामी 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 शामी, ओके इस स्टेज में अगर सिंगल दोगे तुम, भाई 2 रन मिल जाएंगे। जो भी है 2 रन है, कम से कम जड्डू की मेहनत बेकार नहीं जाने दी,
103 रन में से 62 रन अकेले बनाए, छोटी बात तो होती नहीं। एक ही रन मिल पाएगा, चाहता तो मैं दो भाग जाता, लेकिन स्पीड थ्रो आता है। 210-15 बनाने होंगे। हल्का सा अंदर डाला इसने। ओडियन स्मिथ ने अच्छी बॉलिंग करी है, मैंने इसके फिगर्स पे ध्यान नहीं दिया, केवल 12 रन दिए हैं। इसके ओवर को हल्का मैक्सिमाइज अभी करना ठीक रहेगा। हाँ ठीक ही है। एक रन, मात्र एक रन, लेकिन ये एक रन अभी के टाइम पे भाई बहुत कीमती है। गाइस पारी की आखिरी गेंद होने वाली है, थोड़ा सा कड़क एंड दे देते तो ठीक रहता। 2-2 पे 9 आफ्टर 20 ओवर्स, खतरनाक खेला है भाई। पूरा का पूरा जडेजा ने संभाल लिया है ना, जड्डू ने संभाल लिया है भाई। तो पहला ओवर मैं दे रहा हूँ राइड आर्म फास्ट मीडियम, यानी कि फेवरेट मोहम्मद सिराज के फास्ट मीडियम बॉलर ब्रेंडन किंग भाई। स्ट्रेट मारेंगे, एकदम खत्म बॉल पे मारेंगे है ना, एकदम खत्म बॉल है ये। बैकअप अच्छा दो, चाहिए मेरे को बैकअप। वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है ना भाई, वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है ना कि हल्का सा भी मौका छोड़ा ना इन लोगों ने ना, मैंने मौका नहीं छोड़ना है। हाँ ये अच्छा बॉल है, इस पे रन नहीं आ सकता है। ये सिस्टम मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सिस्टम ही समझ में नहीं आया। काफी तेज दौड़ लगाई है पहले रन के लिए, क्या रन मिलेंगे यहाँ पर? एक्स्ट्रा दौड़ गया है, कोई नहीं। बॉलर ने भी कहा कोई नहीं भैया, यू हैव टू बी केयरफुल। मैं सोच रहा हूँ एक शॉट डाल देते हैं। हाँ भाई ये बात तो सही कही, बैलेंस है पिच। केवल और केवल एक रन। ओ भाई इनको पहले ही पता चल गया, क्या प्रॉब्लम है यार। आउटस्विंग मारते हैं यहां से, ये थोड़ा लीव कर सकता है ये बॉल। अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा। ये बॉल अगर इसने थोड़ा सा भी लीव करा ना, तो ये बॉल ना बहुत घातक बॉल हो सकती है एज कंपेयरिंग टू मी। आउटस्विंग यहाँ पे डालो। सिराज ने ओवर अच्छा, एक्सपेंसिव ओवर नहीं डाला है, अच्छा से ओके। एक ओवर के बाद 6-0 विंडीज। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, रन अभी कुछ नहीं है इन लोगों के, लेकिन इन लोगों ने ना हल्का सा कम अटैक करा मेरे पे, जिसके वजह से मेरे को और चांस मिल गया अपनी स्पिनर्स को ना गेम में लाने का। कोई नहीं, ऐसा सिचुएशन आया है भाई, मैंने फील्ड पूरा ही पैक कर दिया है कि अब हल्का सा भी मूवमेंट ये करेंगे ना, इजी विकेट मिलेगी। मूवमेंट अब करना छोड़ दो। अब करो तुम लोग मूवमेंट है ना, अब इस मूवमेंट को हम लोग बचा सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऑल राइट गाइज, आफ्टर द एंड ऑफ द मैच 135 ही मार पाई, और भाई इंडिया ने वन साइडेडली ये मैच जीत लिया है भाई। वो भी जीते ना तो भाई खतरनाक। मैन ऑफ द मैच एच पांड्या, 25-2 जड्डू को होना चाहिए था ना। इंडिया 87 रन से जीता है। चलो गाइस इसी के साथ आज की ये वाली 100 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो खत्म होती है। तो चलो गाइस आज की इस नहीं, तब तक ये बाय बाय दोस्तों।